ये पहले दो दो आदमी को मार चुका था उस गांव में। हाल ही में अभी लास्ट ईयर तो तीन लोगों को अटैक की थी ये टाइग्रेस, ये चबन ही करके जो बोलते हैं, जिनको भैंस जो चराता है उसके ऊपर अटैक हुआ था, और मॉर्निंग में ये जो चौकीदार है इसके ऊपर अटैक हुआ था। 300 से 400 ग्राम मीट निकल दी है बाहर। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है, लोगों को अपनी जिप्सी खुद से नहीं मिल रही है, लोगों के आधे मेंबर्स जिप्सी में और आधे मेंबर पता नहीं किसी और जिप्सी में चले गए, तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है यहाँ पे। आगे मैडम, ये हमारी मैडम भी आ गई। तो ये जो मैं बता रहा था, यहाँ पे जो दर्रा की बच्ची रहती है ना, ये अपना जो खेतावली जोन है इसमें टाइगर की पॉपुलेशन इतनी है कि हर एक टाइग्रेस अपना जितना एरिया रखना चाहिए, 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर फीमेल के लिए ज़रूरी है रहना। तो यहाँ पे जो फीमेल रह रही हैं इनका इतना नहीं है एरिया, थोड़ा सा कम पड़ रहा है। क्या है सर, देखिए यहाँ पे जो मेल रह रहे हैं, मेल को जैसे अभी आपको बताया गया कि 40 से 45 स्क्वायर किलोमीटर मेल के लिए चाहिए एरिया, और वो एरिया के हिसाब से यहाँ पे पड़ रहा है कम, क्योंकि यहाँ पे लगभग 5 मेल हैं अलग अलग। कुछ मेल जो बंद वाले क्षेत्र हैं उससे भी यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे जो हैं वो ऑलरेडी है ही हैं। अब इनको क्या है, कम से कम अपने एरिया में 3 से 4 फीमेल होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका क्या है, अभी ये जैसे बच्चे में से बड़े हुए ना, अब ये फुल ग्रोन में आ गए हैं, तो इनका काम ही है ये किसी भी एरिया में जाएंगे जहाँ पे कि इनको खाली नज़र आता है एरिया, ऐसे एरिया में ये घूमेंगे, एरिया चेक करेंगे, फीमेल जो नई फीमेल है उनको देखते हैं, क्योंकि जैसे फीमेल हमारे उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी नया फीमेल होती है, जब इनका ब्रीडिंग टाइम होता है तो फीमेल अपने आप कॉल करके मेल को बुलाती है, ना कि मेल जाएगा। ऐसा है, ये जो मैटिंग सीज़न है ये दिसंबर का महीना इनका फिक्स होता है, पर अब आजकल हम लोग जो देख रहे हैं नए सिरे से या नए सिस्टम में, उसमें ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर का महीना ही हो, जब भी फीमेल हीट में आएगी वो मैट करेगी जी। और इसी दौरान क्या है, ये आपस में मेल लड़ते हैं, क्योंकि जैसे कोई दूसरा मेल आता है बाहर से उसके साथ मैट कर रहा है, अगर वो फीमेल सक्सेस नहीं हुई तो वो कॉल करके फिर मेल को आवाज़ करके बुलाती है, अपने एरिया में पूरे में घूमेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल दोनों तरफ रहती है, इधर का भी मेल उसको एक्सेप्ट करेगा और उधर का भी मेल, और जैसे फीमेल अगर उस मेल के साथ मैट करके बच्चे पैदा होते हैं उसके, तो कई बार ये वाले मेल से भी फॉल्स मैट करेगी वो, क्योंकि उसको अपने बच्चे को सिक्योर करना है ना, नहीं तो दूसरा मेल मार देगा। हम लोग जो जानकारी हमें यहाँ से मिलती है उसके हिसाब से यह है कि फीमेल एवरी 3.5 ईयर्स में बच्चे देती है, जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं 3 साल तक माँ के साथ रहते हैं, 3 साल के बाद माँ अपना 25% हिस्सा छोटे बच्चे को देती है जो सबसे छोटा होता है, और उस छोटे बच्चे के एरिया में जो 2 बच्चे और होते हैं वो उसमें रह के सर्वाइव करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिनको जहाँ एरिया खाली दिखा वो वहाँ चले जाएंगे, पर जिस बच्चे को उसने 25% का हिस्सा दिया है रहने को, वो बच्ची उसमें रह के 75% एरिया अपना और बनाएगी, और उसी में वो सर्वाइव करती है, फिर चाहे उसके एरिया में माँ भी होगी तो माँ को उसको हटाना पड़ेगा। सर देखिए क्या होता है, जो जैसे आपने बोला कि हमारे यहाँ जो 3 तरह के अलग अलग डियर हैं, तो डियर में मैं आपको बता दूं कि जो स्पॉटेड डियर होता है ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है, और जो सांबा डियर है ये फैमिली में रहना पसंद करते हैं, उससे छोटा डियर जो बार्किंग डियर कहलाता है वो अपना कपल में रहना पसंद करता है, मतलब जहाँ भी होंगे आपको मेल फीमेल ही दिखेंगे। रही बात इनमें, जैसे सांभर डियर क्या है, साइज़ से भारी होता है, और आपने सुना भी होगा कि सांभर को बुद्धू एनिमल मानते हैं, मतलब बुद्धू बोले तो ये जब तक किसी चीज़ को पूरी तरह जांच परख नहीं लेता तब तक वो आगे कोई कदम नहीं उठाएगा, तो इसीलिए जैसे अगर सांभर डियर बैठा है उसको टाइगर दिखेगा भी तो क्या है, टाइगर अपना पूरा खुल के नहीं चलता है कभी, वो जब भी आएगा देख लेगा कि ये कोई भी एनिमल बैठा है, अगर
वहाँ पे वो टाइगर बैठा भी है उसको देखने के लिए या उस पर घात लगाने के लिए। अगर सांभर की नज़र पड़ गई कि कुछ उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है तो वो खड़ा होगा, पहले खड़ा होके वो पहले आइडेंटिफाई करेगा फुल कि ये आखिर है क्या चीज़, और फिर उसके बाद वो पैर पटकना चालू करता है सामने के पैर को स्टंप करेगा बार बार, ताकि वो जब स्टंप करता है तो उससे आवाज़ निकलती है। तो कई बार ऐसा एहसास होता है टाइगर को कि कोई चीज़ मेरे तरफ दौड़ के आ रहा है, तो कई बार क्या होता है सांभर को देखने के लिए टाइगर उठ के देखता है खड़ा होके कि है कि ये चला गया। और जैसे वो टाइगर उठा और सांभर ने देखा, वो उसी टाइम में एक कॉल करेगा और वो ये तय करता है पहले कि ये क्या मेरे ऊपर चार्ज करेगा या मेरे को दौड़ाएगा या पकड़ने का मूड है या नहीं है। तो उसी हिसाब से जब वो देखेगा कि अब टाइगर का मूवमेंट बन गया कि मेरे तरफ दौड़ेगा, तभी वो एक आवाज़ लगा के दौड़ना चालू करेगा। क्योंकि सांभर एक बड़ा डियर है और ये अपनी जो एनर्जी है फालतू में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है कि किसी भी जानवर को देखा और दौड़ लगाना चालू किया तो पता चला वो पहले ही थक जाएगा। टाइगर ने मार्क किया इस पेड़ पे, टाइगर मेरे ख्याल से 12 से 13 फीट तक कर सकता है मार्किंग। 13 नहीं, 15 फीट तक मार्किंग हम देख रहे हैं। 12 से 13 फीट तक जो भी होता है, ये फीमेल टाइगर्स की मार्किंग है। क्या है, हमारे बांधवगढ़ में लगभग 70% जो प्लांट है ये जड़ी बूटी वाले प्लांट है, बड़ा फॉरेस्ट वालों का जो चार्जेस है वो ज्यादा बढ़ गया, तो इस चक्कर में वो लोग अपना बीएसएनएल का काम करना बंद कर दिया। अच्छा, मैं रेंजर के पोस्ट में थी। ओके, तो उसने मुझे बोला था कि आपका जो काम करने का तरीका है और बाघ को देखने का तरीका सिर्फ नाम के साथ है। इनको क्या है, एवरी ईयर्स मैटिंग करना ही करना है। फीमेल के साथ अगर एक बार बच्चे आ गए तो वो 3 साल तक मैट नहीं करेगी, तो ऐसे टाइम में मेल फिर क्या करेगा। तो इसके लिए वो उसको क्या है, वो अपना पावर यूज़ करता है। पावर दिखाने के लिए टाइगर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो स्प्रे मार्क करता है और दूसरा स्क्रैच मार्क। अगर उसके एरिया में उससे दमदार टाइगर है, अगर उससे भी ऊँचा स्क्रैच मारता है, तो वो टाइगर उसके एरिया में धीरे धीरे ओवरलैप करता रहेगा, और जब कभी भी वो आपस में मिले तो फाइट करते हैं। जो जीतेगा वो रहेगा, जो हारेगा वो भागता है। तो जो हार गया मेल, उसके अंडर में कितनी फीमेल और कितने बच्चे हैं, पहले ये टाइगर उसको जाके देखेगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे को मारना चालू करेगा, जब बच्चे मरेंगे तभी फीमेल हीट में आती है और फिर मजबूर होकर उस मेल से मैट करेगी। फीमेल दो मेल के चक्कर में रहती है, जैसे उधर भी मेल है और इधर भी मेल है और बीच में फीमेल है, तो अगर बच्चे इसके हैं तो वो फीमेल को इधर भी जाना है बच्चे को लेके, तो अगर यहाँ का मेल उस बच्चे को देख लेगा तो मार देगा। तो इसलिए वो फीमेल क्या है, उसके साथ भी फॉल्स मैट करेगी। जब इधर जाएगी तो बता देगी कि ये तुम्हारा बच्चा है, इधर जाएगी तो इसको बता देगी कि तुम्हारा बच्चा है, तो ये दोनों तरफ से सिक्योर हो जाती है फीमेल। दो दो एलिफेंट हमारे सामने से जा रहे हैं, ये डोमेस्टिक एलिफेंट है। वो जो जिसमें दांत है वो मेल है ना, ये मेल है पर वाइल्ड है, वाइल्ड तो दिख ही पता लगा, उसको यहीं से पकड़ के यहीं पे ट्रेनिंग देके यहीं पे यूज कर रहा है। वो सुन को एक ही है, हां एक मिनट में, एक मिनट में कोई इंसान का सफर होता नहीं है, इंसान की टिकट चाहिए। अभी बंद कर दो, हमारे पीछे आप देख सकते हो दो डोमेस्टिक एलिफेंट है, ये बेसिकली वाइल्ड एलिफेंट्स थे जिसे ट्रेनिंग देके अभी डोमेस्टिक बनाया गया है। और यहाँ पे आप पीछे मेरे देख सकते हो दो दो है, बहुत ही बड़े है, मेल एलिफेंट है इसमें एक।
ये अपने टाइम में, ये छोटा है, ये अपने टाइम में दो आदमी को मारा करके जो क्षेत्र है वहाँ से इसको पकड़े हुए थे। ये वाइल्ड एलिफेंट था, वाइल्ड था पहले जी। इसको यहाँ लाने के बाद में ट्रेन किया गया, इसको यहीं रख के सिखा दिए, डोमेस्टिक बना दिए, अभी आज ये अपने यहाँ जंगल में पेट्रोलिंग का काम करता है। ये पहले दो आदमी को मार चुका था उस गाँव में, तभी गाँव वालों ने इन्फॉर्मेशन दिया डिपार्टमेंट के लोगों को, तो डिपार्टमेंट के लोग जाके इसको पकड़ के फिर यहाँ पे लेके आए। देखिए वहाँ पे मंकी अलार्म कॉल कर रहे हैं जी, हो सकता है लेपर्ड हो या कुछ हो, डियर सारे इधर देख रहे हैं जी, ये पूरे जी कुछ ना कुछ है, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल जी। कहा गया ना कि नमक खा के नमक हरामी नहीं करते हैं, तो ये नमक हरामी नहीं करते हैं, नमक हलाली करते हैं, क्योंकि अब आप ये सोचिए कि इतना बड़े जानवर को इतना सा आदमी संभाल के रखता है, क्यों संभालता है, क्योंकि वो उसको खाने के लिए दे रहा है। एक लाल फुली ग्रोन, ये सिर्फ 8 रोटी खाते हैं, सिर्फ 8 रोटी यहाँ से देते हैं, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट अपनी तरफ से देता है। ये पूरा ये घास बात पसंद यही खाते हैं, ओके वाओ। 10 किलो का देते हैं, 10 किलो इसीलिए अपने पकाने के लिए लकड़ी देते हैं। अब ये देखिए भैया जा रहे हैं बड़े बड़े 8 रोटी, बिग साइज रोटी इनको देने के लिए। ये देखिए किस तरह भैया खिला रहे हैं, ये देखिए भैया किस चीज़ की रोटी बनी होती है, आटे की होती है, आटे के हैं, चना है। चबन ही फीमेल प्लस उसके दो बच्चे, वो गए हैं गढ़पुरी गांव में, वो गांव के पास कहीं बैल मार के रखे हैं, उसी बैल को वो वहां बैठ के खा रहे हैं आराम से। क्या नज़दीक में गांव है, लोग वहां पे आए जाए ना, इसके लिए वो एलिफेंट को भेजे थे फॉरेस्ट वाले देखने के लिए, हाँ कि आप वहां दिन भर वहां पे रुको, निगरानी करते रहना, कोई व्यक्ति अगर आता तो उसको वहीं से हटा देना कि हाँ मत आना। मंगूस मिला है बहुत ही पास में है, ले पीछे भाग गया।
सो गाइस यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग हुई है, अभी आसपास में ही है लेपर्ड। पंजे तो मिले नहीं, ये पंजे यहाँ नहीं है, वो वाली रोड में करते हैं। इट्स गोइंग दिस वे। इट्स एक्चुअली द जैसे हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट के चौकीदार हैं, जिनको अपन गार्ड बोलते हैं जी, ये लोग क्या है, हर रोज सुबह पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं जंगल के अंदर जी। तो इनका भी एक एरिया फिक्स होता है कि आप इतने से इतने एरिया में हर रोज पेट्रोलिंग करोगे जी। उसमें इनको किसी भी तरह की, जैसे गांव के किनारा चेक करना या जंगल के बीच से निकल के जाना, कहीं पेड़ पौधे तो नहीं गिरे हैं या कोई टाइगर कोई गाय बैल को तो नहीं मारा है, ये वो मतलब शिकार की है उसका जीपीएस निकालने के लिए गए थे। ये लोग 4-5 लोग थे जी। तो ये जो चौकीदार था ये जाके जीपीएस निकाल रहा था, अंदर बैठी हुई थी ये चबनी, ये अचानक इसके ऊपर कूद पड़ी और जैसे कूदी तो इसका पूरा ये हाथ को काटी थी, मतलब एक हाथ का पूरा मांस निकाल के बाहर निकाल दी। फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट था काफी दिनों तक, अभी जाके ठीक हुआ तो फिर से अभी ये काम कर रहा है यहीं पे, ये गेट में ही रहता है ये। हाँ रास्ते में ही चार्ज कर दिया, वो अच्छा था कि 4-5 लोग थे, काफी हल्ला हल्ला किए तो भग गई वापस। यहाँ भी कई बार रास्ते में मिलती है शाम के समय तो बाइक वाले को दौड़ाती है। हम पूरा वो कैंप तक गए हैं, बफर वाला जो नहीं बनाया, तो हम वहाँ पे आ गए 4:10 से मैं पूरा कर, वहाँ से आया हूँ मैं सीधा मेरी गाड़ी। हाल ही में अभी लास्ट ईयर तो 3 लोगों को अटैक की थी ये टाइग्रेस, ये चबनही करके जो बोलते हैं जी। ये एक तो यहाँ जो गांव में चरवाहा होता है जो भैंस है चराते हैं जी। इसके ऊपर अटैक की थी और मतलब शाम को वो भैंस जो चराता है उसके ऊपर अटैक हुआ था जी। और मॉर्निंग में ये जो चौकीदार है इसके ऊपर अटैक हुआ था। अच्छा। और फिर उसके बाद में गर्मी में मार्च अप्रैल के महीने में एक यही गांव का ही व्यक्ति है, कहीं गया हुआ था शायद, मेरे ख्याल से जंगल में नाले के अंदर था, वहीं कहीं टाइग्रेस सो रही होगी, अचानक उठ के इसके ऊपर हमला की तो ये पीछे का जो पुट्ठा वाला मांस होता है ये निकाल दी थी और ये बांह के मांस पूरे बाहर हो गए थे उसके नेल से। तो मतलब उसने किल कर दिया है, मतलब वो अपने बचाव के चक्कर में इनके ऊपर झपटा मारी है ना। तो मतलब वो इंसान तो मर गया, नहीं बचे हैं अभी भी है। अच्छा। हाँ तो मारा नहीं है, मतलब मारा नहीं, मतलब अभी तक ये चबनही के काटने से कोई भी ह्यूमन मरा नहीं है जी। अभी भी जो है वो सब बरकरार है, लेकिन अटैक किया है, अटैक किया से घाव दिए। हाँ वो जहाँ पे मारी है तो कम से कम आप मान के चलिए को 300 से 400 ग्राम मीट निकाल दिए बाहर। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट वापस, हमारी इवनिंग सफारी कंप्लीट करने के बाद। आज हमने इवनिंग सफारी कंप्लीट करी किटौली जोन में, जो कि बहुत ही डेंस जोन है और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और बहुत ही सुंदर साइटिंग हमें देखने को मिली, बहुत ही अच्छा शॉट हमें जंगल का कैप्चर करने को मिला, जंगल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन जानने को मिला ड्राइवर साहब से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, टिल देन पीस।